ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में निगम उपचुनाव का बिगुल निगम उपचुनाव की आहट के साथ ही बज चुका है। ऐसे में सभी निगम पार्षद भी अपनी कमर कस चुके हैं, लेकिन वार्ड नंबर 64 एन पीतमपुरा की निगम पार्षदा अंजू जैन लगातार अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कर जनता को एक से बढ़कर एक तोहफे दे रही है। फिर चाहे बात वार्ड के सौंदर्यकरण की हो या फिर साफ सफाई की, अंजू जैन लगातार समाज को एक बेहतर वातावरण देने के लिए तत्पर दिखाई देती है। इसी कड़ी में अंजू जैन ने अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले एमपी मॉल के सामने बने कूड़ेदान को बंद कर समाज के योगदान से एक लाइब्रेरी बनाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि अंजू जैन ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय जनता को इसकी सौगात दी, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अनीता गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। तो वही नॉर्थ एमसीडी के महापौर जयप्रकाश, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी के साथ ही नेता सदन योगेश वर्मा भी मौजूद रहे, जिन्होंने मंच से अंजू जैन के कार्यों की जमकर सराहना की और आम आदमी पार्टी को नकारा बता बीजेपी के कार्यों को जनता के सामने रखा। जो सबसे पहला अभियान माननीय मोदी जी की सरकार का था, वो था स्वच्छ भारत का अभियान। हमने गांधी जी के उस स्वप्न को पूरा करने का प्रयास किया, जिसको लेकर उन्होंने राजनीति और समाज नीति को एक साथ पिरोया था। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं अभी अंजू जी से पूछ रही थी कि ये कार्यक्रम किस विषय का है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक कूड़ा घर था जिसे बंद करवाकर वहाँ एक लाइब्रेरी की स्थापना की का प्रयास उनके द्वारा और उनके जो कार्यकर्ता बंधु है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं उन्हें देना चाहूंगी कि बहुत अच्छी सोच के साथ वो ये काम कर रही है। एक दिल्ली की जनता ने भर भर के वोट दे करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को 62 सीट देकर जिता दिया था। अभी जगह जगह मैंने बोर्ड लगे देखे हैं, तरक्की 6 साल भाई कैसी तरक्की है। अगर सड़क में गड्ढा हो तो उसको तरक्की कहोगे क्या? जोर से बोलो, सड़क में गड्ढा हो तो उसको तरक्की कहोगे क्या? शहर के अंदर स्कूल ना बने उसको तरक्की कहोगे क्या? शहर में अगर कॉलेज नहीं बन रहा उसको तरक्की कहोगे क्या? शहर में जब संकट आया कोविड का तो दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री सहित होम क्वारंटाइन हो गई। आप सबके सहयोग से ये नेक कार्य होने जा रहा है। और भाजपा ही एक ऐसी समर्पित पार्टी है जहां पे इस तरह के प्रतिनिधि निकल कर आते हैं। अभी कुछ इशारा करा योगेश जी ने, एक ऐसी सरकार भी है जो सिर्फ विज्ञापन में नजर आती है, सिर्फ विज्ञापन में नजर आना, ग्राउंड लेवल देखा जाए कुछ भी नहीं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। बता दें कि अंजू जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से प्रेरणा लेकर अपने वार्ड को एनीमिया मुक्त करने का प्रण लिया है। यही वजह है कि कार्यक्रम के दौरान महिलाओं का ब्लड टेस्ट लेकर हीमोग्लोबिन चेक किया गया और जिस महिला का हीमोग्लोबिन 10 यूनिट से कम आया उन्हें अंजू जैन ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा 1 किलो चने और गुड़ बंटवाए, साथ ही आयरन की दवाइयाँ भी वितरित की, जिसकी जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने सराहना की। विकास कार्यों के साथ साथ समाज का कार्य सम्पन्न हुआ है। यहाँ पर जनता को दो तरफा लाभ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी एक काम करता है उसके साथ एक के साथ एक की फ्री की योजना लाता है। केवल हम फ्री की योजना पर काम नहीं कर रहे हैं, इस कूड़ा घर को बंद करने के पश्चात यहाँ जनता के सदुपयोग के लिए या तो लाइब्रेरी या सिटिंग के लिए जगह बनाई जाएगी, जिसका जनता को लाभ होगा। और एनेमिक बच्चियों के लिए जो कैंप लगाया गया है, एनीमिया अपने आप में एक बड़ी समस्या है, बच्चियों में अक्सर मिलती है, उस पर भी विचार हुआ है। और इन सब लोगों ने मिलकर राजनीति का जो सदुपयोग है उसकी परिभाषा लिखी है। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, एक एक कार्यकर्ता एक एक काम को अपने हाथ में लेके हॉर्टिकल्चर, सैनिटेशन और जो मेंटेनेंस के काम है वो उन कामों को पूरा करेगा और ये मॉडल वार्ड बनेगा। हमने फिर ये प्रयास किया, पूरे रेजिडेंट की ये डिमांड थी कि मैडम आपने ढलावगढ़ बंद करे हैं पर एक एमपी मॉल का कब बंद होगा। तो आज एक छोटा सा प्रयास समाज के माध्यम से हमने करा, वो ढलावगढ़ बंद करा है और यहाँ पर हम अतिशीघ्र जो भी होगा लाइब्रेरी या हम सीनियर सिटीजन को ये दे देंगे,
जैसे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने पूरे हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त किया है, एक छोटा सा प्रयास भारत विकास परिषद के माध्यम से हमने किया है कि यहाँ पर जो बच्चियों का जो हम चेकअप कैंप, एनीमिया का चेकअप कैंप लगाया है, और फिजियोथेरेपी, डेंटल, बीपी, शुगर और कहीं तरह से फिजियोथेरेपी का भी कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। तो जिनको हमने एनीमिया का चेकअप करा है और जिनको थोड़ी बहुत भी कमी आ रही है, उनको हमने एक किलो गुड़, चना, एक किलो चना और दवाई, टैबलेट्स और एक पर्चा दिया है कि आप लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। बता दें कि जिस तरह से अंजू जैन अपने वार्ड में काम कर रही हैं, उसे देखकर साफ है कि अंजू जैन जनता के लिए न केवल अपने दायित्व को पूरा कर रही हैं, बल्कि समाज सेवा कर उन्हें अपने साथ जोड़ने का काम भी कर रही हैं। यही वजह है कि जनता भी उन्हें पूरा प्यार और साथ दे रही है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर